चलिए आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मात्र तथा विमा। आज हम समझेंगे कि मात्र को विमा भौतिक राशियों के या किसी भी राशि का हम मात्र को विमा किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मात्र को विमा समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक राशियां। जी भौतिक राशियां क्या होती है? तो वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं, जी मेजरमेंट कर सकते हैं, उन सभी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां मापन के आधार पर जी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, पहली मूल राशि और दूसरी और वित्तपूर्ण राशि। जी मूल राशि किसे कहते हैं और वित्तपूर्ण राशि किसे कहते हैं? तो वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, जो पूर्णतः फ्री होती है, उन राशियों को मूल राशि कहते हैं, और वे राशियां जो मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं वित्तपूर्ण राशि। तो आप यहां से एक चीज ये समझ पाए कि यहां पर हमें वित्तपूर्ण राशियां तो मूल राशियों से प्राप्त हो जाएंगी, इसका अर्थ यह है कि हमें सिर्फ क्या पढ़नी है, मूल राशियों के बारे में पढ़ना है, बाकी की वित्तपूर्ण राशियां ऑटोमेटिकली यहां से ही निकल आएंगी, क्योंकि वित्तपूर्ण राशियां मूल राशियों से ही मिलकर बनी हुई है। तो चलिए मूल राशियों के बारे में पढ़ते हैं। तो मूल राशियां सात होती है। कितनी होती है जी? सात होती है। ये सात कौन कौन सी होती है, एक साड़ी के द्वारा इन्हें पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है आपके लंबाई, सेकंड है आपका द्रव्यमान, थर्ड है आपका समय, फोर्थ धारा, फिफ्थ ताप, सिक्स ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, सेवन पदार्थ की मात्रा। जी इनके मात्रक समझते हैं। मात्रक कौन कौन से होते हैं? लंबाई का जो मात्रक होता है वो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, और धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और ताप का मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। अब जी समझते हैं विमा, कि विमा किसकी क्या होती है। तो विमा लंबाई की जी एल होती है, किलोग्राम की विमा एम होती है, सेकंड की विमा, समय की विमा टी होती है, एम्पियर की विमा क्या एम ए होती है धारा की, और ताप की जो विमा है वो के या थीटा यूज करते हैं, और ज्योति तीव्रता की जो विमा है वो सी डी है, और पदार्थ की मात्रा की जो विमा है वो आपकी मोल है। क्या है जी? मोल है। तो आपको ये मात्रक विमा, सात राशियों के मात्रक विमा ध्यान में रखने हैं। अगर ये सात राशियों के मात्रक विमा आप याद कर पाए या ध्यान में रख पाए, तो बाकी की मूल राशियों के जो भी मात्रक विमा है वो आप इजीली तरीके से निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। तो चलिए एक बात और समझा दूं मैं बेटा आपको कि लंबाई, लंबाई का हम मापन किससे करते हैं। तो आपका जी आंसर होगा कि सर इंची टेप से आप मापन करते हो। तो इंची टेप से आप लंबाई का मापन करते हो। इंची टेप में क्या होते हैं? तो जी सेंटीमीटर होते हैं, मीटर होते हैं, किलोमीटर होते हैं, इंच होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि लंबाई के जो सभी मात्रक है, इंच भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन हमें ये मात्रक जो है कुछ पद्धतियों के अकॉर्डिंग यूज करने पड़ते हैं। इसलिए ज्यादातर जो पद्धति यूज होती है, मैक्सिमम टाइम जो पद्धति यूज होती है वो एमकेएस पद्धति यूज होती है, इसलिए हम लंबाई का जो मात्रक यूज करते हैं वो मीटर यूज करते हैं। तो आप एक बार ये बात समझ पाए कि अगर हम लंबाई को इंची टेप से मापेंगे तो मात्रक मीटर है। अगर मैं बात करूं कि ऊंचाई को किससे मापोगे, अगर मैं इंच तो ऊंचाई को भी किससे मापेंगे, इंची टेप से मापेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ऊंचाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। जी मैंने कहा इसकी चौड़ाई किससे मापोगे, तो आपका यह कहना होगा उसको भी इंची टेप से मापेंगे तो उसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो आप कह सकते हो कि जिनको भी हम इंची टेप से मापेंगे उन सभी के मात्रक क्या होंगे, मीटर होंगे, और विमा क्या होगी जी, एल होगी। इसी प्रकार आपको इन्हें समझने हैं। तो ये आपकी मूल राशियां सात होती है, जो कि लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है। इनके मात्रक विमा को थोड़ा सा आपको समझना है, बाकी का कुछ नहीं करना। वित्तपूर्ण राशियां ऑटोमेटिकली अभी मात्रक हम समझेंगे, बहुत
अच्छे तरीके से। चलिए ये आप समझ गए होंगे, देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से। अब हम समझते हैं वित्तपूर्ण राशियां क्या होती है। तो सबसे पहले वित्तपूर्ण राशि को हम लेके चलते हैं। तो वित्तपूर्ण राशि में हम लेके चलेंगे क्षेत्रफल। क्या लेके चलेंगे जी? क्षेत्रफल लेके चलेंगे। क्षेत्रफल में सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए सूत्र। सूत्र के बाद नंबर आता है मात्रकफल और फिर हम निकालेंगे विभाग। तो सबसे पहले हमें वित्तपूर्ण राशियों के फॉर्मूला का पता होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम मात्रक विमा नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने वित्तपूर्ण राशि ले ली क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का आप जो सूत्र जानते हो वो लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है जी? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अभी मैंने आपको बताया कि लंबाई को भी इंची टेप से मापते हो, चौड़ाई को भी इंची टेप से मापते हो, आप देख पा रहे हो मीटर टू मीटर में गुणा करो तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्षेत्रफल का मात्रक आपने बना लिया मीटर स्क्वायर। अभी आपको विमा बताई थी कि लंबाई का जो मीटर, जिनका भी मात्रक मीटर है उनकी विमा संख्या क्या होती है? अगर इसमें स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। इसका मतलब आप तीसरी तरीके से विमा भी निकाल सकते। इसी प्रकार मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे वाले लाइन लेता आयतन। आगे मैंने ले लिया आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जी लंबाई का भी मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है। अभी हमने डिस्कशन कर लिया था। और मीटर का मीटर मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर क्यूब। और आपको पता है जो मीटर की विमा होती है वो कितनी होती है? एम। और इसका घात कितनी है जी? तीन है। आइए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे घनत्व। किस पर बात करेंगे? घनत्व। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है जी? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक अभी आपने देखा था मूल राशि में किलोग्राम था, वो आयतन का मात्रक आपके समक्ष लिखा हुआ है मीटर क्यूब। तो आपको पता चला कि द्रव्यमान घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी प्रकार विमा बनाओगे, किलोग्राम की विमा क्या होती है जी? एम। और मीटर की विमा क्या होती है? एल। लेकिन तीन घात है, तीन नीचे घात प्लस की है, तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो एम एल की पावर माइनस के थ्री। तो आप देख पा रहे हो आपने तीन वित्तपूर्ण राशियों के मात्रक को विमा निकाले बहुत इजीली तरीके से निकाल पाए, क्योंकि आपको सात मूल राशियां जो है उनके मात्रक विमा पता है। तो बाकी का आप आराम से बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे चलते हैं। तो आगे बात करेंगे हम चार। तो चार बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को भी हम इसी से ही मापन करते हैं, तो इसका भी मात्रक मीटर होगा। और समय, समय का मात्रक हम पढ़ चुके हैं क्या है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। मीटर की विमा होती है बेटा एल, और सेकंड की विमा होती है टी। जी नीचे घात की प्लस की, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो जी एल टी माइनस के ओवर। इसी प्रकार हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो त्वर, तो त्वर का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। चाल या वेग, चाल या वेग में अंतर होता है वो हम अलग डिस्कशन करेंगे किसी टॉपिक में क्या अंतर होता है, लेकिन मात्रक और विमा एक ही होते हैं वो आपको यहां से पता करने। चाल या वेग का अर्थ एक ही नहीं है, इनमें अंतर होता है, लेकिन मात्रक और विमा एक ही होते हैं, इसलिए मैंने यहां करके लिख दिया। तो त्वर बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। जी तो हमें वेग चाहिए और वेग का मात्रक हमें पता है मीटर पर सेकेंड, और यहां समय का भी मात्रक क्या होगा? सेकेंड। जी सेकेंड का सेकेंड में मल्टीपल हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विमा निकालिए, मीटर की विमा क्या होती है जी? एल। सेकेंड की क्या होती है? टी। घात है तो घात नीचे घात प्लस की, ऊपर जाके माइनस की। तो आपने देख पाया कि त्वर की जो विमा है वो एल टी माइनस के टू निकल गया है। इसी प्रकार हम आगे की ओर चलते हैं। तो अब बात करेंगे बल, फोर्स की बात करेंगे। तो फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा है एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए अर्थात द्रव्यमान गुणा त्वर, द्रव्यमान गुणा त्वर। तो जी द्रव्यमान का मात्रक आपको पता है किलोग्राम, त्वर का मात्रक अभी निकाल चुके हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का जो मात्रक है वो निकल के आया के किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी एमकेएस पद्धति में मात्रक निकल के आया, इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ज्यादातर एसआई पद्धति का प्रयोग करते हैं तो हम बल का जो मात्रक है वो ज्यादातर न्यूटन ही प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार विमा निकालते हैं
तो जो बल्कि किलोग्राम की बीमा एम, मीटर की बीमा जी एल, और जो सेकंड की बीमा है टी, और नीचे घात प्लस की ऊपर जाके माइनस की, तो एम एल टी पर फोर माइनस के टू। तो इजीली तरीके से आप यहां पर बल की बीमा निकाल पाए, कोई भी दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। इसी प्रकार हम बात करते हैं बल की, किसकी बात करते हैं बल की, तो सॉरी बल नहीं, कार्य की बात करते हैं। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो बल, बल का मात्रक देख रहे हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीपल विस्थापन का भी मात्रक मीटर, तो इस प्रकार मात्रक निकला आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या एसआई पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो होता है जी जूल। क्या होता है? जूल। इसी से हम विमा निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से विमा हम निकाले, तो किलोग्राम की विमा होती है जी एम, मीटर की विमा होती है जी एल स्क्वायर, तो स्क्वायर, और सेकंड की विमा होती है टी स्क्वायर, नीचे घात प्लस की ऊपर जाके माइनस की, तो एम एल स्क्वायर टी पर फोर माइनस की। तो आपने यहां पर देखा कि सात मूल राशियों के हमें मात्रक और विमा याद करने हैं, बाकी के कोई भी मात्रक और विमा हमें याद नहीं करने। आपको बस सूत्र पता होना चाहिए किसी भी राशि का, एक समय ऐसी कोई राशि नहीं है बेटा जो आप मात्र को बीमा इस तरीके से नहीं निकाल, बस शर्ते ये कि आपको उसका मात्रा, ठीक है, उसके सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता होगा तो आप मात्र इजिली निकाल सकते हो, बीमा इजिली बता सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे कि हमने सात राशि पढ़ी, तो सात में से क्षेत्रफल आराम से हमने निकाला, आयतन घनत्व चार, त्वरण बल कार्य। इसी प्रकार से आप और भी अन्य राशि ले लीजिएगा जिनमें आपको फॉर्मूला पता हो, और फॉर्मूला की सहायता से उनमें आराम से आप क्या कर सकते हो, मात्र निकाल सकते हो। एक आध और राशि लेके निकालता हूं मैं, देखिए जैसे कि मैंने आवेश ले लिया, आवेश, तो आवेश को आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आवेश का फॉर्मूला होता है आई टी, अर्थात धारा गुणा समय, धारा गुणा समय। तो बेटा धारा, धारा के हम मात्रक पढ़ चुके हैं एम्पियर, समय का मात्रक पढ़ चुके हैं सेकंड, तो जी आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर सेकंड। क्या हो गया? एम्पियर सेकंड। लेकिन इसका ऐसा ही पद्धति में जो मात्रक है कूलाम, तो कूलाम भी यूज करते हैं, एम्पियर सेकंड भी यूज करते हैं। अब मैं बात करूं इसके विमा की, ये मात्रक ही हो गया, अब बात करूं विमा, तो विमा आप इजीली तरीके से कैसे निकाल सकते हो, आई क्या धारा, और धारा की विमा ए होती है, टी क्या टाइम, टाइम की विमा टी होती है, तो आप आवेश की विमा इजीली बता सके क्या हुई, एटी हुई, क्या हुई, एटी हुई। इसी प्रकार आगे कोई भी राशि ले लो, जैसे कि मैंने ले ली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू। तो आपको फॉर्मूला पता है, मात्रक इजीली निकाल सकते हो, कैसे जी देखिए, तो एफ क्या है बल, और बल का मात्रक हम निकाल चुके हैं न्यूटन, और क्यू क्या है आवेश, आवेश का मात्रक अभी हम बता चुके हैं क्या है जी कूलाम, तो मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम। अच्छा विमा, तो विमा हम देखेंगे कि एफ क्या है बल, और बल की विमा अभी हमने 2 मिनट पहले ही निकाली है, तो बल की वहां वहां आप देख के चेक करोगे, तो वहां बल की विमा है एम एल टी पर माइनस के टू अपॉन कूलाम, मतलब आवेश, आवेश की विमा आपके समक्ष है के टी। तो जी आप यहाँ देख पाओगे कि एम एल टी, टी की पावर वन, इधर ऊपर नीचे प्लस की ऊपर जाके माइनस की, तो टी को पावर माइनस के थ्री, नीचे घात प्लस की ऊपर जाके माइनस की। तो इस तरीके से आप वैद्युत क्षेत्र की विमा निकाल पाए, आवेश की विमा निकाल पाए। ऐसे ही फिजिक्स में कोई भी ऐसी राशि नहीं है जो आप उनके मात्र विमा ना निकाल पाओ, बहुत अच्छे तरीके से आप मात्र विमा निकाल सकते हो। तो सीखिए, देखिए वीडियो को बढ़िया तरीके से, घर पर जाके प्रैक्टिस कीजिए, आराम से विमा मात्र का अच्छे तरीके से निकाल सकते हो।